Thank you, sir. Happy Thanksgiving. फर्स्ट टाइम यहाँ पे आ रहा हूँ, ये सेवन्थ अवार्ड है, तो आज मैं थोड़ा लेट हो बिकॉज मुझे जुकाम, मुझे बहुत बुखार हुआ पड़ा है, अदरवाइज मैं और जल्दी आता, बट मैं अभी जाऊँगा देखूँगा क्या हो रहा है। फर्स्ट टाइम भैया। हाँ हाँ जी, भगवान ये सब तो भगवान के हाथों में, कुछ क्या होगा देखेंगे बाद में। कुछ नहीं, अपने परिवार के साथ में, बस परिवार के साथ में, मेरी फार्म हाउस में होगा। थैंक यू। क्या 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 यार, हम आपने हमेशा जोड़ी में ही हमें देखा है आते हुए जाते हुए, और शुरुआत हमने जोड़ी में ही की थी जब इंडस्ट्री में आए थे, हमने साथ में शो स्टार्ट किया था, बहुत सारे रियलिटी शो साथ में किया, लेकिन कभी जोड़ी अवार्ड नहीं मिली थी हमें, कभी नहीं मिला, तो ये जोड़ी अवार्ड हमें मिला फाइनली। और देवी मैं तो बहुत इमोशनल हो गई थी। इट इज़ ऑलवेज एन ऑनर टू ऑलवेज गेट एन अवार्ड, और हम लोगों ने साथ में काफ़ी काम किया है, पर ये नहीं पता था कि ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन जोड़ी का अवार्ड भी मिलेगा। सो आई मीन अवार्ड से जब नवाजा जाता है, मतलब वो बहुत ही, आप जब एक अच्छा काम करते हो और कठिन चीज़ों को पार करते हो, सो वाओ, दैट्स फॉर अस। ऑन स्क्रीन तो ऑफकोर्स बहुत लोगों को मिल भी जाता है, ऑफ स्क्रीन बहुत ज़रूरी है अवार्ड वहाँ पे मिलना, क्योंकि वहाँ पे ऑन स्क्रीन आप एक्टिंग कर रहे होते हो, लेकिन ऑफ स्क्रीन आप एक्टिंग नहीं कर सकते हो, उसका अवार्ड मिलना बहुत बड़ी बात होती है किसी भी जोड़ी के लिए, और हम लोग बहुत खुश हैं कि हम इस जोड़ी को ऑफ स्क्रीन भी अवार्ड मिला, और कोशिश यही करेंगे जितने भी और भी जोड़ी हैं उनको भी ऑफ स्क्रीन अवार्ड मिले। इस बार तो फॉलो नहीं कर पाए, लेकिन हाँ हमारा दोस्त केवी करणवीर है वहाँ पे, उसके लिए हम पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, और बहुत ही अच्छा इंसान है, और अच्छे इंसान की जीत होनी चाहिए। एक्चुअली बहुत सारे फ्रेंड है, दीपिका फ्रेंड है, अभी पिछली फिल्म में इनकी हीरोइन भी थी, तो देखा जाए तो आई मीन कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, पर उस तरीके से फॉलो नहीं कर पा रहे, बट मे द बेस्ट पर्सन विन। आप फिल्म इंडस्ट्री से हैं, फिल्म इंडस्ट्री में बहुत बड़ी प्रॉब्लम चालू है, जो अनुभव की है साल भर के नए नए करोड़ों रुपये के लगा के अभी फिल्म रिलीज के टाइम में उसको अटका दिया, उसके बारे में आपको बताया सेंस बोर्ड से पास हो गए। वेल इसके बारे में तो हमें कुछ आइडिया नहीं है, जैसे मालूम चलेगा तो हम बता देंगे। और हाँ जी,
नहीं नहीं बिल्कुल आइडिया नहीं, थैंक यू। अभी हम रिहर्सल से आए हैं, 31st को हम दिल्ली में परफॉर्म कर रहे हैं दोनों साथ में, जोड़ी में परफॉर्म कर रहे हैं, तो बहुत मेहनत कर रहे हैं वहाँ पे। उसका टेक्निकल से कल दिल्ली निकल रहे हैं, वहाँ पे टेक्निकल से 31st को हम लोग दिल्ली के जनता के सामने परफॉर्म करेंगे, बहुत बड़ा बैच है, और उसके बाद हम फिर कुछ दिनों के लिए छुट्टियों पे ज़रूर जाएंगे। जी जी, वेल जब तक फिल्म नहीं देखेंगे तब तक तो आप कुछ बोल नहीं सकते। एक्चुअली हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि एक ट्रेलर आता है और उसी में लोग समझ जाते हैं और उसी पे लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। मुझे लगता है फिल्म देखना चाहिए, उसके बाद आप कुछ भी डिसाइड कर सकते हो। और मुझे लगता है कि भारत की जनता अभी इतनी समझदार है, इंटरनेट के माध्यम से पूरे देश और दुनिया का सब कुछ जब देख सकते हैं, तो इतना इंटेलिजेंट हो चुका है कि वो खुद डिसाइड करे कि वो सोचना क्या चाहते हैं, उसका सोच इन्फ्लुएंस नहीं है, तो किसी चीज़ पे रोक टोक नहीं लगा कि सब कुछ दिखाया जाए और भारत की जनता वो देख के डिसाइड करे वो किसी इंसान को पसंद करते हैं या पसंद करना चाहते हैं या व्हाटएवर इट इज़, तो उसको पहले कोई एक सेक्ट ऑफ पीपल उसको रोक के अपना जजमेंट लोगों पे ना दे। Hello everybody, this is Davina Banerjee. Hi, this is Gurbir Chaudhary. Wish all of you a very 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 happy new year. Happy new year. यार अभी तो यू थिंक कि मुझे इंटेंशन होगा नहीं, अब बिग बॉस के बाद इतने धमाके कर दिए कि ज़रूरत ही नहीं पड़ती टेंशन लेने की, तो फिलहाल मैं तो कूल माइंडेड थी और मुझे वैसे भी मेरे फेवरेट गाने ही थे रशिये कमर और टिप्टी बरसा पानी, तो उस पर तो मैं ऑलरेडी एक्सपर्ट हूँ, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और वैसे भी मैं पब्लिक को कभी देखती नहीं हूँ, मैं सामने ही देख देख के परफॉर्म करती रहती हूँ, आसपास मुझे कुछ नहीं पता कि सामने क्या हुआ। अभी जब मैं डांस कर रही थी तो मेरी जूती किसी के ऊपर चली गई डांस करते करते, तो वो थोड़ा सा हुआ, बेचारों को लग गई शायद। सॉरी। ओके, कितनी एक्साइटेड हूँ इस परफॉर्मेंस के लिए और कितने दिन से प्रिपरेशन चालू है? ना, ये सिर्फ 2 घंटे प्रिपरेशन किया था, उसके अलावा कुछ भी नहीं किया था। बाकी एक्साइटेड हम हमेशा रहते हैं, बिकॉज जब भी नई चीज़ होती है, नया काम होता है, एक्साइटमेंट तो रहता है। मेरी आवाम को न्यू ईयर बहुत 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 ज़्यादा मुबारक हो और नए साल पे हम और अच्छा काम करेंगे और धमाल करेंगे। श्रीशांत, हाय बेबी। मैं आप सभी को, मैं आती ना आप सभी को पहले आप सभी को आरती नागपाल का नमस्कार एंड हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। 2018 खत्म हो रहा है, आई एम वेरी हैप्पी एंड ग्लैड टू बी पार्ट ऑफ टीफा 2018 और जो भी विनर्स हैं और शमीम जी को, उन्होंने इतना अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज किया है, बहुत ही अच्छे अच्छे डिग्निटरीज यहाँ पर आए हुए हैं। मैं अभी रिसेंटली वहाँ पर थी, मैंने थोड़े बहुत शोज और परफॉर्मेंसेस देखे, बहुत अच्छे हैं। आई विश ऑल द वेरी बेस्ट टू ईच एंड एवरी पर्सन हु इज विनिंग द अवार्ड एंड ऑल द बेस्ट टू टीफा, थैंक यू। किसके बारे में? टीफा अवार्ड्स के बारे में। बहुत बहुत नमस्कार, मैं टीफा अवार्ड्स को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा कि मुझे यहाँ बुलाया आज, और बाकी मैं आपको अवार्ड्स के बाद बोलूँगा, आप बताऊँगा कि कैसा रहा सब कुछ रहा। बहुत अच्छा स्वागत किया मेरा और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।
या ये 7th फीफा अवार्ड फंक्शन है और आज मैं यहाँ पे बहुत ऑनर फील कर रही हूँ कि साल की आखिरी यू नो लाइक दो दिन बचे हैं 2019 आने में और मैं यहाँ परफॉर्म कर रही हूँ इस अवार्ड में. आई एम वेरी हैप्पी बीइंग पार्ट ऑफ दिस अवार्ड. या आई एम सिंगिंग वन ऑफ लाइक मेरे जो गाने हैं जलेबी भाई एंड बहुत खुशी का माहौल है और ये टाइपा का 7th अवार्ड फंक्शन है. आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर और मैं शमीम एम खान और जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनको बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि इस लेवल का वो अवार्ड फंक्शन कर रहे हैं और आज मुझे भी एक अवार्ड मिल रहा है तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस. बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छा लगता है. इस तरह के अवार्ड फंक्शंस होते हैं तो कलाकारों की हिम्मत अफजाई होती है. इट्स वेरी एनकरेजिंग. थैंक यू.